हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आइए हम आपको आज डोमिनोज के जैसे घर पे ही बनाना सिखाते हैं पिज्ज़ा। घर पे कैसे बनाया जा सकता है सेम टू सेम डोमिनोज जैसे पिज्ज़ा। पिज्ज़ा बनाकर 400 रुपए का पिज्ज़ा आप जो चार लोग भी नहीं खा पाते वो हम चार लोगों को खिला के दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैदा लेते हैं, उस पर सोडा डाल लीजिए, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल लीजिए, उस पर थोड़ा सा चीनी भी डाल लीजिए और टेस्ट अनुसार नमक डाल लीजिए, और जितना आप मैदा लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप दही भी डाल सकते हैं। दही डाल दीजिए। दही डालने के बाद आप उसमें उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उस पर थोड़ा सा, अगर अच्छे से मिक्स नहीं होता है तो थोड़ा सा पानी डालकर आप अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करते रहिए, अच्छे से उसको मिक्स होना चाहिए। जब तक आप अच्छा डो तैयार नहीं हो जाता तब तक आप उसको अच्छे से मिक्स करिए और डो को अच्छे तरीके से गूंथ लीजिए, जब तक कि आपका डो अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको फिर से एक बार डो को अच्छी तरीके से मिक्स करिए, जब तक कि आपका डो एकदम स्पंची ना बन जाए। डो को अच्छे से गूंथने के बाद उसको इतना गूंथिए कि वो अपना डो पिज़्ज़ा बेक बनाने के लिए तैयार हो जाए। पिज़्ज़ा बेक बनाते समय बहुत सारी सावधानियां देखनी चाहिए। उसके बाद आप डो तैयार कर लीजिए, उसको 15 मिनट के लिए ढक दीजिए। ये हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी आपको देखने के लिए हमें कमेंट करिए और बताइए, हम आपको इसकी रेसिपी बता देंगे। उसके बाद हम पिज़्ज़ा बेस को लेते हैं, उसको चौकी पर रखते हुए उस पर थोड़ा सा हाथ से वो कर रोटी बनाएंगे, फिर उसको नीचे परथन डालकर आप थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए, उसमें से वो डो आपका चिपकेगा नहीं चौकी में। डो को आप पहले हाथ से तैयार करिए, उसके बाद फिर से बेसन डालिए, मैदा डालिए, जिससे कि वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद बेसन से रोटी बनानी है, जैसे एकदम मोटी मोटी रोटी बनानी है, पतली रोटी नहीं बनानी है, मोटी मोटी रोटी बनानी है। रोटी थोड़ी मोटी हो तो उसमें स्पंज अच्छा आएगा और बिल्कुल रेडीमेड डो की तरह दिखाई देगा। डो को अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसको अच्छे से बेलिए और फिर जिसमें आपको डो बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है, उस पर आप रख दीजिए और उस पर तेल लगा दीजिए। आप इस पर बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये इसको रख दीजिए, उसके बाद अच्छे से उसको फिक्स करिए। फिक्स करते हुए फिक्स अच्छे से होना चाहिए, जब तक आप उसको अच्छे से फिक्स नहीं करेंगे तो वो अच्छे से नहीं रेडी होगा। उसके बाद साइड साइड आप उसमें ऑयल लगा दें, जिसमें से वो जब आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा तो वो चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए पिज़्ज़ा में। अच्छे से किनारे साइड साइड में उसको ऑयल लगा दीजिए, ऑयल लगा दीजिए उस पर आपने जो बेकिंग वो सॉस लगाया था, पिज़्ज़ा सॉस बनाया था, उसको लगा दीजिए। पिज़्ज़ा सॉस घर पर ही बनाया हुआ है। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए और बताइए कि पिज़्ज़ा सॉस, तो फिर हम आपको इसकी रेसिपी भी बता देंगे। तो इसमें अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे कि कैसे बनाना, वो अच्छे से चारों तरफ फैलाइएगा पिज़्ज़ा सॉस को। पिज़्ज़ा सॉस अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस से ही हमें पिज़्ज़ा का टेस्ट पता चलता है। जब तक पिज़्ज़ा सॉस अच्छा नहीं होगा तो पिज़्ज़ा, उसके बाद आप इसमें चीज़ डालिए, चीज़ अमूल का चीज़ कई प्रकार से आते हैं। आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद आता हो आप वो चीज़ को यूज कर सकते हैं। मैं अभी अमूल बटर, अमूल चीज़ ली हूँ। इसको अमूल चीज़ को चारों तरफ अच्छे से मिक्स कर दीजिए, अच्छे से फैला दीजिए कि जिसमें से अच्छे से पूरे में फैल जाए। सब जगह मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा भर भर के, मेरे को चीज़ ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ डाल रही हूँ। इसके बाद आप इसमें डेकोरेट कर सकते हैं। मैं ओनियन पिज़्ज़ा बनाने जा रही थी तो ओनियन डाल लिया, और है तो गार्लिक भी डाल सकते हैं इसमें। ओनियन डालिए, ओनियन को अच्छे से कट कर लीजिए। आपको जिस तरीके से कट करना हो आप उस तरीके से इसको कट कर सकते हैं। कट करके आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं पिज़्ज़ा को, अपने पिज़्ज़ा को। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए, अनार डाल दीजिए, गाजर, पत्ता गोभी, पिज़्ज़ा एंड एग, आपको जो जो चीज़ पसंद हो, जितने भी वेजिटेबल पसंद हो आप इस पर डाल सकते हैं, जो सारी वेजिटेबल्स बेक हो सकें। बेक अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए इसमें, इसको
इस पर जितना ज़्यादा चीज़ रहता उतना ज़्यादा ही अच्छा बनता है और टेस्टी भी रहता है, देखने में भी अच्छा दिखता है। इसके बाद आप टमाटर डाल दीजिए, टमाटर भी डाल सकते हैं, येलो शिमला भी आता है, ग्रीन शिमला भी आता है, शिमला कई प्रकार से आता है, आपको जो डालना है आप वो डाल सकते हैं। इसमें बताया ना मैंने जितना भी प्रकार से आपको वेजिटेबल डालना हो डाल सकते हैं आप इसमें। इसके बाद अनार डाल सकते हैं आप इसमें, छोटे छोटे एप्पल्स के पीस भी डाल सकते हैं आप इसमें, आपको जो जो आप जो जो खाना पसंद करते हैं आप इसमें सभी वेजिटेरियन सभी चीज़ डाल सकते हैं इसमें। ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं आप, मशरूम भी डाल सकते हैं, आपको मशरूम अच्छा लगता है तो मशरूम भी डाल सकते हैं। इसके बाद ये हब है, हब इस जो अजवाइन से बनता है ना, जो मार्केट में रहता है वो बहुत दिनों का रहता है, ये हमने आज ताज़ा ताज़ा घर पर बनाया था। उसके बाद आप चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, चिली फ्लेक्स डालने के बाद उसको अच्छे से राउंड राउंड करके सारे में चिली फ्लेक्स जितना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। उसके बाद फिर से चीज़ डाल दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे चीज़ बहुत पसंद है तो चीज़ भर भर के, और मेरे घर में सारे लोग चीज़ बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद एक कढ़ाई में नमक लीजिए, नमक से भी, और इसको आप रेत से भी बना सकते हैं, रेत या बालू, उसको जो चीज़ ज़्यादा हीट होती हो उससे बना सकते हो। उसके बाद आप बेकर रखिए, बेकर रखने के बाद उसको अच्छे से हीट कर लीजिए कढ़ाई को। उसके बाद आप बेकर रखिए और उसमें आप पिज्ज़ा बेकर डाल पिज्ज़ा की टफिंग डाल सकते हैं, थोड़ा सा हीट हो जाने दीजिएगा उसके बाद डालेंगे कढ़ाई में। उसके बाद आप रख दीजिए पिज्ज़ा, रखने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के बाद पकने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद पक जाएगा, पकने के लिए छोड़ दीजिए। इसमें कम से कम इसकी आप टफिंग पहले से भी बना सकते हैं, टफिंग अगर पहले से नहीं बनाई हो तो आप तुरंत भी बना सकते हैं। ये देखिए 15 से 20 मिनट बाद आप देखने के बाद इसको ऐसा दिखेगा, 15 से 20 मिनट आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, अच्छे से पका लीजिएगा वरना मैदा आपको कच्चा लगेगा। अच्छे से पकाने के बाद इसको आप बाहर निकालिए और इसको कट करिए, बाहर निकालने के बाद इसको कट कर लीजिए अच्छे से, चारों तरफ से इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद ये देखिए आपका पिज़्ज़ा कितना यमी लजीज दिख रहा है। हाँ, डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा आप घर पर भी बना सकते हैं, टेस्टी टेस्टी जित आप इसमें बताया ना मैंने जो जो आपको डालना हो, आप जितने भी वेजिटेरियंस फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो आता हो वो डाल सकते हैं। हाँ, एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस पर चीज़ आप जितना अच्छा डालेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, और इसमें चिली फ्लेक्स और आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जो जो आपको पसंद हो आप सब डाल सकते हैं इसमें। बन के तैयार हो चुका है अपना पिज़्ज़ा, बस इसको खाने के लिए तैयार है। इसको कट कर लीजिए, जितने पीसेस में आपको जिस तरीके से कट करना हो आप उसको कट करके